हेलो फ्रेंड, तो कैसे हम सभी, आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फोटेक्नो लाइव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि बेल्ट्रॉन से निकला हुआ फॉर्म है, उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर का खोजा जा रहा है और उसमें आपको हिंदी टाइपिंग कंपलसरी कर दिया गया है कि 25 प्लस आपको स्पीड होनी चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, अगर टाइपिंग खोज रहे हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी लेट कर दिया हूँ लाने में, तो आप लोग लिए ही ये वीडियो है तो पूरा ज़रूर से देखिएगा। जो लोग भी बेल्ट्रॉन का फॉर्म भरे हैं और हिंदी में टाइपिंग करना चाह रहे हैं और उनको हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा है टाइपिंग करना, तो मैं आप लोग को आसान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसमें आप हिंदी टाइपिंग कैसे करेंगे वो हम इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको कैसे कैसे क्या करना है इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आपको कैसे सारा प्रोसेस करना है। अगर हिंदी टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो ज़रूर से करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं हिंदी फॉन्ट खोज रहे हैं, मंगल रेमिंगटन गिल का फॉन्ट खोज रहे हैं, तो मुश्किल हो रही है, तो हम उस मुश्किल को इसमें आसान करने वाले हैं। तो बने रहिए। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है और आप लोगों को मिसयूज नहीं करना है, ठीक है, ना कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना है। मैं आप लोगों को क्लियरली बता रहा हूँ, अगर पर्सनल यूज के लिए, सीखने के लिए यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिजनेस पर्पस के लिए यह नहीं है। तो चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि आपको कैसे इंस्टॉल करना है सारा चीज़ प्रोसेस, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा, चैनल पर जो है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गया, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है मंगल फॉन्ट डाउनलोड, ठीक है। अब जैसे ही मंगल फॉन्ट डाउनलोड लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मंगल पे ही जो है आपको टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, पूरा इसका क्लियरली आपको दे दिया है, सिलेबस भी दे दिया है। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में पूछेंगे तो मैं उसका भी आपको बता दूंगा और पीछे का जो क्वेश्चन है वो मैं क्लियर करूंगा, पिछले ईयर का मतलब बैक डेट का जो अभी एग्ज़ाम हुए थे उसका क्लियर मैं करूंगा इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाउनलोड मंगल हिंदी फॉन्ट में देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, फर्स्ट वाले लिंक पे, यहाँ पे जो इसका वेबसाइट आपको दिख रहा होगा indiatyping.com, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सी आपको इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही इस पेज पे आते हैं, नीचे की ओर आइएगा थोड़ा सा, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो भी विंडोज XP है, 7 है, 8 है, आप अपने बिट लेवल चेक कर लीजिएगा, 64 बिट, 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप अपना चेक कर लीजिएगा। अगर विंडो 10 का 32 बिट है तो आपको यहाँ देख लेना है, ठीक है। उसके बाद 64 है तो 64, 11 के लिए भी आपको सेटअप दे दिया गया है, आप 11 के लिए भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आप अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको बस क्लिक करना है, वो सेटअप डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही, जैसे कि मान के चलिए हम क्लिक करते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे ही इसको डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद इसको ओपन कीजिएगा, इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे इसको आप इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के लिए आपको इस पर राइट बटन लेना है, ठीक है, और ओपन पे क्लिक कर देना है। बाकी जो भी परमिशन वगैरह जो है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा, वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, आप एक काम कीजिएगा, विन के साथ स्पेस को प्रेस कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ हिंदी देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है हिंदी वाले पे, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको हिंदी आ जाएगा, आप वर्ड पे जाइएगा, विन वर्ड पे,
विनवर्ड पे फाइल खोल लीजिएगा, उसके बाद हम इसके साइज को बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड से प्रेस करें तो सही हो रहा है। ठीक है, तो गैस जिनका भी विंडोज़ 11 पीसी है, मैं उन पर बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आपका विंडोज़ 11 पीसी है तो आपको देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन कैसे दिखेगा, ये ऑप्शन दिखेगा तो भी आप वहाँ पे रेमिंगटन गेल का जो है टाइपिंग आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको सिंपली सी आपको यहाँ पे जाना है स्टार्ट में, और यहाँ पर आपको डे टेन टाइम का टाइम लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज एंड रीजनल पे आपको सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही इस पे जाते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एंड रीजनल पे आते हैं, आपको नीचे की ओर आना है। आपको यहाँ पे दिखेगा रिलेटेड सेटिंग में आपको टाइपिंग दिखेगा, टाइपिंग पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे एडवांस कीबोर्ड सेटिंग आपको दिख जाएगा। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में आप जैसे ही आते हैं तो ये दोनों को टिक चेकबॉक्स पे टिक करके रखना है। आप जैसे टिक करके रखते हैं आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, आप इसको हिंदी कर लीजिए। हिंदी करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिशनल रखना होगा। ठीक है, आप जहाँ पे भी इसको लिखना चाहते हैं आप उसको कनेक्ट कीजिए, और सेटिंग में जाके आप यहाँ पे कीबोर्ड लीजिए। कीबोर्ड में हिंदी रेमिंगटन गेल का आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपका फॉन्ट हिंदी हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही भी लिखना है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में आप लोग को कैसे इंस्टॉल करना है रेमिंगटन गेल का मंगल फोन। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।